गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी में लेसन 10 का बुक वर्क करेंगे, ठीक है। पहले शब्दार्थ देखिए, प्रातःकाल। प्रातःकाल मीन सुबह का समय, ठीक है। स्वामी मीन मालिक। कठिन मुश्किल। प्रवेश घुसना। कर्म काम। चुगना खाना, ठीक है। हमने लेसन रीड किया था ना कबूतर और कौवे के बारे में, ठीक है, कि कबूतर, एक कबूतर कहाँ रहता है, रसोई के छीके में लटका रहता है। एक कौवा वहाँ से जा रहा था, ठीक है। उसने देखा कि कबूतर रसोई के छीके में लटका हुआ है और वहाँ मांस मछली की खुशबू भी आ रही थी। जो रसोई था वह मांस मछली बना रहा था, तो कौवे ने सोचा कि कबूतर के बहुत अच्छे मजे आ रहे होंगे, है ना, क्योंकि उसको क्या मिलता है, खाने को मांस मछली मिलती है ना, क्यों ना मैं भी घर में किसी बहाने घुस जाऊं, ठीक है। चलिए यहाँ उत्तर ये बुक में फिल करने, ठीक है। रसोई घर के छींके में कौन रहता था, तो रसोई घर के छींके में एक कबूतर रहता था, ठीक है। दूसरा है, कौवे को किसकी गंध आई, कौवे को मांस मछली की गंध आई, है ना। जब वो वहां से जा रहा था तो उसको किसकी गंध आई थी, मांस मछली की। तीसरा देखिए, कबूतर ने कौवे को क्या समझाया, कबूतर ने कौवे को समझाया कि तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं, है ना, तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है, ठीक है। कौवे ने क्या बहाना किया, कौवे ने पेट दर्द का बहाना किया। अंत में कौवे का क्या हुआ, अंत में कौवा तड़प तड़प कर मर गया, है ना, क्योंकि उसका मन में क्या था, पाप था। उसने सोचा कि मैं अगर यहाँ रसोई घर में चले जाऊँगा एक बार, तो मैं यहाँ जो भी मन में आएगा खाऊंगा। वह लालची था, है ना, इसलिए वह बाद में उसको रसोई ने बाहर फेंक दिया और वह तड़प तड़प के मर गया, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसने किससे कहा, ठीक है, तू किस लिए मेरे साथ साथ फिरता है, किसने कहा, कबूतर ने कौवे से कहा, ठीक है। अब से मैं आपकी सेवा में रहूंगा, किसने कहा, कौवे ने कबूतर से कहा, ठीक है। मेरे पेट में दर्द है, किसने कहा, कौवे ने कबूतर से कहा कि मेरे पेट में दर्द है और आज मैं नहीं आऊंगा। तू मेरी बात ना मानकर इस दुख में पड़ा है, कबूतर ने कौवे से कहा कि अगर मेरी बात मान लेता तो तेरा आज ये हाल नहीं होता, ठीक है। सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाइए, कहाँ के लोग पक्षियों को छींकों में लटकाते थे, कहाँ के लोग, बनारस के, इलाहाबाद के, मुंबई के या आगरा के, कहाँ के लटकाते थे, बनारस के, ठीक है। दूसरा, रसोइये ने छीका कहाँ लटका रखा था, छत पर, रसोई घर में, कमरे में, पेड़ पर, कहाँ लटका रखा था, रसोई घर में। अब तीसरा देखिए, छींके में कौन रहता था, तोता, मैना, कबूतर या चिड़िया, कौन रहता था, कबूतर रहता था। फोर्थ देखिए, वह
कब दाना चुगने जाता था? कब जाता था? प्रातःकाल, सायंकाल, दोपहर या रात्रि, है ना? सुबह जाता था, शाम को जाता था, दोपहर में या रात को, वह प्रातःकाल जाता था। ठीक है, अब यहाँ देखिए, उदाहरण देखिए और वाक्य बनाइए। यहाँ पर हमने जो ये वाक्य दिया है ना, तो ये जो ये शब्द दिया है ये वाक्य में आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, शेर पिंजरे में बंद था, तो आया ना, फिर वाक्य में पिंजरा आया ना। ऐसी कबूतर पे वाक्य बनाना है। ठीक है, जैसे छींके में कबूतर कबूतर रहता था। ठीक है, फिर है रसोई घर, छींका रसोई घर में लटका था। ठीक है, छींका कहाँ लटका था? रसोई घर में। ठीक है, तो आया रसोई घर। फिर है छींका, छींका पर वाक्य बनाना है। ठीक है, छींके में कबूतर रहता था। ठीक है, फिर यहाँ है उल्टी, शब्दों को उलट फेर, शब्दों को उलट फेर करके लिखना है। ठीक है, उलट फेर में सही करके लिखना है इनको। यहाँ पर शब्दों का उलट फेर दिया है ना, जैसे दर्द है मेरे पेट में, है ना, ये आगे पीछे, तो इसको सही करना है, मेरे पेट में दर्द है। ठीक है, शुद्ध करके लिखना है। नीचे लिखी बातों को शुद्ध भाषा में लिखिए। उसने देखा शाम को एक पक्षी, तो शाम को उसने एक पक्षी देखा। ठीक है, शुद्ध करके लिख दिया, शाम को उसने एक पक्षी देखा। फिर है ख, देखिए कठिन है मेरी सेवा करना, तो मेरी सेवा करना कठिन है। ठीक है, थर्ड है बात मान ली कबूतर ने, कबूतर ने बात मान ली। ठीक है, अब यहाँ एक वचन बहुवचन। ठीक है, आप वचन बदलने, आप जानते हैं ना वचन, यानी कि एक और बहुत सारे, जो एक है एक वचन, जो बहुत है वह बहुवचन। ठीक है, जैसे पक्षी पक्षियों, कौवा कौवे, पिंजरा पिंजरे, कबूतर कबूतरों। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको? वेरी गुड, आप सबको बुक में फिल करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।